YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय महाजन का बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सुक्खू के बीच चल रही कड़वाहट को महाजन ने सिरे से खारिज किया। इसके साथ ही उन्होंने इसे मीडिया की उपज बताया है और उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से संगठित है, दोनों के बीच किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। इसके साथ ही लोकसभा चुनावों पर बोलते हुए प्रदेश महासचिव ने कहा कि 2019 में कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटों पर कब्जा करेगी। कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल तालमेल है। ये कई बारी मीडिया उजागर कर देती है। अभी हम शिमला में थे, हमारे राष्ट्रीय इंचार्ज हिमाचल के रजनी पाटिल जी आए हुए थे और वहाँ पे सारे गुट के लोग आए हुए थे, सारे मतलब एमएलएज भी आए हुए थे, पार्टी के सारे ऑफिस बैरर्स थे और कुछ लोग जो नहीं आए हुए थे कोई टूर पे थे। अगले जो चुनाव जो हैं ये चारों के चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि आज की डेट में जो चार साल साढ़े चार साल खत्म होने जा रहे हैं और जो भी वायदे मोदी जी ने किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आएगा।